हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे में ऑक्सीजन बैंक का एक प्रावधान करना ये राहत देने वाला है। ऑक्सीजन संकट के बीच जिस तरीके से कोशिशें तेज हो रही हैं, इस दौरान ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी कि ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई है और जिससे सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को प्रत्येक दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। पूरे मामले को लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर से ऑक्सीजन ऑन व्हील को रवाना किया। उन्होंने बताया कि कई बार रोड़की से गाड़ी सुबह की बजाय शाम को आती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट बन जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। हमने एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके वैन शुरू की है और इसमें हमने अभी के लिए 50 सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रखे हैं। आगे इसकी बढ़ा के इसकी संख्या 100 कर देंगे। आज हमें लगभग 200 नए सिलेंडर्स अवेलेबल हुए हैं, तो उनमें अभी ऑक्सीजन की फिलिंग जारी है, तो ये बढ़ा के 100 उस वैन में रख देंगे। तो काफी सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कई बार उनकी डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमारे पास इमीडिएटली 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 3 की बची है, तो हम थ्रेशोल्ड 2 आवर्स का रख लेंगे कि जिसकी भी 2 घंटे से कम की ऑक्सीजन बची है वो इस वैन को कॉल करें और जितनी रिक्वायर्ड सिलेंडर्स हैं जिनसे उनका 3-4 घंटे का काम चल सकता है वो उससे उतरवा ले और खाली सिलेंडर्स सुविधा उपलब्ध होगी।